हेलो एवरीवन। तो फाइनली मेरे पास एटीएम का डेबिट कार्ड आ चुका है। आज हम लोग इसको खोलेंगे और पूरी तरह से किस तरह से एक्टिवेट होता है वो देखेंगे। तो फिलहाल चलिए हम लोग फटाफट इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें आपको एटीएम मिल जाता है, एक लेटर मिल जाता है और आपको बैक साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि किस तरह से आप इसको ब्लॉक अनब्लॉक और एक्टिवेट कीजिएगा। चलिए ये हमारा एटीएम है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें एक लेटर मिल जाता है, थैंक्स लेटर कि आपने एटीएम का डेबिट कार्ड अप्लाई किया है। और साथ ही साथ आपको पूरा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है जिसमें आपको किस तरह से एक्टिवेट किया जाएगा इसका स्टेप यहाँ पे समझाया गया है और किस तरह से आप इसको ब्लॉक कीजिएगा किसी कारणवश आपका कार्ड खो जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और किस तरह से फिर से इसको अनब्लॉक कीजिएगा। और इसमें आपका कुल ट्रांजेक्शन कितना होगा, मेट्रो सिटी में डेली 25,000 का ट्रांजेक्शन है, आप विड्रॉ कर सकते हैं मेट्रो सिटी से 3 और नॉन मेट्रो सिटी से आप 5 किसी भी एटीएम काउंटर से विड्रॉ कर सकते हैं और 2,00,000 तक का आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको एक्टिवेट करते हैं और अपने पेटीएम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने एटीएम की तरफ अपने एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। पेटीएम एप्लीकेशन को हमने खोल लिया है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हो तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमको देखिए एक स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली आप स्कैन कर सकते हैं अपना क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड आपके एटीएम में बैक साइड में आपको मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली आप बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद अब नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड का ऑप्शन, डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कार्ड ऑर्डर स्टेटस जो हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करिएगा आपका जो पासकोड है वो पासकोड दे दीजिए। देने के बाद देखिए ये स्कैन का एक ऑप्शन स्टार्ट हो गया, अब हमको डायरेक्टली यहाँ पर इसको स्कैन कर लेना है। तो चलिए हम स्कैन कर लेते हैं ये जो क्यूआर कोड है। अब यहाँ पर हमको इंटर योर पेटीएम पासकोड, चलिए हम पेटीएम पासकोड डाल देते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है, हमारा मोबाइल नंबर है जो हमारा अकाउंट नंबर है और यहाँ पे हमारा वेरीफाइड डेबिट कार्ड एंड अकाउंट नंबर, ठीक है यही है। इसको हम कंफर्म करते हैं फिर से, हम सेट योर एटीएम कार्ड पिन। अब इसको यहाँ पर एटीएम जब यूज़ करिएगा तो उसका भी आपको पिन सेट करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर उसका भी पिन सेट कर लेते हैं। एटीएम पिन को हमने सेट कर लिया है, डेबिट कार्ड एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, बस ये छोटा सा एक जानकारी था। अब यहाँ पे हम बैक की तरफ चलते हैं। ओके गॉट इट, विड्रॉल कैश फ्रॉम एनी एटीएम शॉप एट एनी स्टोर, सो क्यूआर कोड टू रिसीव मनी, तमाम चीज़ हो गया, ओके गॉट इट। अब यहाँ से जो ऑप्शन था वो हट गया। अब यहीं से देखिए ऊपर में आपको ब्लॉक और अनब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप चाहें तो इसको ऑन ऑफ करके अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे रिलेटेड बहुत सारा सीरीज़ जो है 4 वीडियो के आसपास अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस कॉर्नर में सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा आई बार में, उसको आप देख सकते हैं आराम से। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि लाइक वीडियो को ही यूट्यूब प्रमोट करता है। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।